हेलो दोस्तों, आपका अपना ही चैनल सिटी टू विलेज में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त संतोष। दोस्तों, इस वीडियो में बताया गया है कि जो स्टेयरिंग के पीछे दो स्टिक होते हैं उसको कैसे यूज करते हैं। राइट साइड में एक होता है स्टिक, एक स्टिक लेफ्ट साइड में होता है। कौन से स्टिक से क्या चलता है, लेफ्ट वाला स्टिक से क्या चलता है और राइट वाला स्टिक से क्या चलता है, वो सारे इस वीडियो में बताया गया है। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे चलते हैं। दोस्तों, स्टेयरिंग के पीछे स्टिक देख रहे हैं इस साइड का, लेफ्ट साइड का, और इधर जो आप देख रहे हैं ये वाला जो राइट साइड का, इसको कैसे यूज किया जाता है बारिश में या लाइटिंग कैसे यूज किया जाता है, इस दोनों स्टिक को कैसे यूज किया जाता है वो आगे हम लोग सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं लेफ्ट में जो ये स्टिक है, ये इसलिए होता है फ्रेंड्स कि जैसे कि हमें शीशा जो सामने वाला है, फ्रंट वाला जो है, ये वाला जो शीशा आप सामने देख रहे हैं, ये वाला शीशा अगर गंदा हो गया हुआ है या धूल मिट्टी जमा हुआ है, तो इसको अपनी तरफ ऐसे खींच करके, इस तरफ खींच करके उसको हम यूज करते हैं। जैसे ये स्टिक हो गया शीशा पे, जैसे कि मिट्टी धूल मिट्टी जमा हुआ है, तो इसको हम अपनी तरफ ऐसे खींचेंगे। ऐसे खींचने से क्या होता है दोस्तों, देख सकते हैं ऊपर पानी का जो है फुहारे उस पर निकल रहा है और वाइफर चल रहा है। जैसे इसको हम छोड़ेंगे तो दोस्तों ये चल करके बंद हो जाएगा। फिर इससे ये होता है, जैसे आपका गाड़ी का शीशा गंदा है तो इसको यूज करके आप अपना गाड़ी का शीशा जो है वो साफ कर सकते हैं दोस्तों। और इस ट्रिक को, ये जो देख रहे हैं, इसको एक बार ऐसे करके ऊपर की तरफ करेंगे, ऐसे, जैसे इसको एक बार हम ऊपर करते हैं दोस्तों, ये देखिए, तो ऐसे सिर्फ चलने लगेगा। और फिर इसको छोड़ देंगे तो आकर के उतने पे ये रुक जाएगा। और नीचा करने से फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए, इसको एक बार अगर नीचा कर दिए तो ये चल करके रुक जाता है, ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा थोड़ी देर बाद। जैसे बारिश, अगर धीरे धीरे बारिश हो रहा है तो धीरे धीरे बारिश के लिए ये होता है कि जैसे धीरे धीरे बारिश हो रही, तो धीरे धीरे ये 5 सेकेंड 6 सेकेंड के बाद ये ऑटोमेटिक अपने आप चल जाएगा और फिर जा करके अपने जगह पर चल जाएगा। और थोड़ा और तेज़ बारिश हो रहा है फ्रेंड्स, तो इसको और नीचे कर दे तो इस तरीके से ये चलने लगता है। और खूब फास्ट अगर बारिश हो रहा है, बहुत ज़ोरों का बारिश अगर हो रही है, अब उस समय अगर आपको यूज करना है तो इसको नीचे कर दे और इस तरीके से खूब फास्ट चलने लगता है और आपको पानी को साइड करके रास्ता आगे क्लियर दिखाता है। तो ये थी लेफ्ट साइड का, और राइट साइड का मैं अभी बताता हूँ। जैसे राइट साइड का हो गया फ्रेंड्स, राइट साइड का देख सकते हैं, ये राइट साइड का स्टिक है, इसको हम ऐसे करके ऊपर करेंगे तो इंडिकेटर लेफ्ट साइड के जलने लगता है। और जहाँ टर्न लेना होता है दोस्तों, तो ऐसे इसको हम करके लेफ्ट को साइड में या फिर टर्न लेते हैं। तो कभी कभी दोस्तों ये होता है कि हल्का अगर टर्न है तो वहाँ पर लेफ्ट साइड का इंडिकेटर चला देते हैं, और चलाने के बाद हम छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिक ये अपने आप सीधा, यानी जहाँ पे अपना जगह होता है इसका, वहाँ पर आकर के ये स्टॉप हो जाता है। इसी तरीका से हम लोग राइट को ऐसे नीचे की तरफ कर देंगे तो राइट का इंडिकेटर जलने लगेगा, और राइट की तरफ अगर मुड़ना है तो राइट की तरफ इंडिकेटर जला करके छोड़ देंगे। जैसे राइट मुड़ जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये अपना जगह पर आ जाता है। और ये देख सकते फ्रेंड्स, ये पार्किंग लाइट है, इसको ऐसे करके नचा देंगे आगे की तरफ तो ये पार्किंग लाइट जो है हमारी गाड़ी की चारों साइड की ये जल जाती है। ये शाम के समय, जैसे दिन ख़त्म हो रहा हो और रात का स्टार्टिंग होता हो, तो उस समय ये जलाया जाता है ताकि पूरे तरीका से ना तो दिन होता है ना तो रात होता है, उस समय ये पता लगता है कि गाड़ी के, जैसे देखना गाड़ी के अंदर से आप अगर किसी गाड़ी को देख रहे हैं उस समय सही से क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो उस समय पार्किंग लाइट जलाया जाता है। फिर दोस्तों जब नाइट हो जाता है तो उस समय रात को इसको हम हेडलाइट जला देते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हेडलाइट का, ये हेडलाइट जला देते हैं, और हेडलाइट जलाने के बाद फिर आगे रोशनी आती है और इसको अपनी तरफ ऐसे खींच करके फ्रेंड्स ऐसे ऐसे डिम्पर मार सकते हैं। देख सकते हैं कि डिम्पर ये लग रहा है। तो ये हेडलाइट के लिए होता है, जैसे कि आपको हाईवे पर चलना हो तो लाइट को आगे की तरफ ऐसे कर देंगे तो ऑटोमेटिक लाइट जो है हाई रहता है, हर हमेशा हाई रहेगा और दूर तक रोशनी इसकी जाती रहती है। और जैसे हम छोटे मोटे सिटी में चलाते हैं, जैसे कि
या घर के आसपास कहीं इधर उधर चलाते तो इस लाइट को ऑफ करके रखना पड़ता, सिर्फ हेडलाइट जो होता है उसको ऑन करके, ऐसे हेडलाइट जो है वो ऑन कर दिए, ऑन करके छोड़ दिए, तो इसका जो लाइट है वो नीचे की तरफ जो हमारी गाड़ी है उसे आगे पड़ती है, और दिखने में मतलब स्पीड जो होता है उसको बखूबी देती है और अच्छी रोशनी देती है। अगर हाईवे पर चल रहे हैं तो दोस्तों इसको लाइट जला करके, जैसे हम इसको ऐसे लाइट जलाते, जला करके इसको आगे की तरफ कर देते तो काफ़ी दूर तक रोशनी जाती है। इसको ये फोक इसका जो फोकस होता है बहुत तगड़ा और हेवी होता है, बहुत आगे तक जाती है दोस्तों। ये है, और ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये फोक लाइट की है। इसको ऐसे कर करके और छोड़ देंगे तो जो हेडलाइट के नीचे जो बम्पर में फोक लाइट होता है जलता हुआ येलो कलर के, ये लाइट होता है वो जलने लगता है, और जो धुंध लगती है उस समय फोक होता है उस समय पता लगती है कि हेडलाइट के नीचे जो जो लाइट जलती रहती है उसे काफ़ी दूर से वो पता चल जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, और ये लाइट जो आप देख रहे हैं ये चारों इंडिकेटर जनाने कि आपकी गाड़ी कहीं पे जाकर के रोड पे ख़राब हो गया है, या कुछ ऐसा मौसम है, या बहुत सा तेज़ बारिश आ गया, तो इस लाइट को आप ऐसे करके जला करके छोड़ देंगे तो इसे ये पता लगता है कि यहाँ इस जगह पे गाड़ी है, वैसे धुंध लगी होती है तो पता नहीं लगता, इसे चारों इंडिकेटर चारों साइड का जल जाता है। या आप कहीं खड़ी भी रोड पे करते हो तो इस चीज़ को यूज किया कीजिए, इसे ये पता लगता है कि या तो आपकी कोई प्रॉब्लम हो गया या कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम है, या आपका गाड़ी आगे नहीं जा सकती, इसलिए ये दिया होता है।